हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग विद फरजाना। आज का रेसिपी है क्रिस्पी बनने का कॉर्नफ्लावर मच्छी का फ्राई। बहुत सिंपल चीज़ा के साथ बहुत इजी से बन जाने का रेसिपी है। ज़रूर से एक बार तुम्हें भी ट्राई करके देखो। इसके वास्ते बाउल के अंदर 1.5 स्पून नमक, 2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर, अभी 3 स्पून कॉर्नफ्लावर डाल लेना। अभी पूरे चीज़ा को एक बार मिला लेना। 1 स्पून तेल डाल लेना। अब फिर को एक बार अच्छे से मिला लेना। उसके बाद ज़रूरत कोता पानी डाल को लुंडे नहीं सरका कतो लम्स नहीं सरका अच्छे से मिला लेना। पेस्ट अच्छा थिक रहना तब मच्छी के पीसेस को अच्छे से कोट हो जाता। 4 से 5 स्पून पानी बस हो जाता, ज़्यादा डाले तो पतला हो जाता पेस्ट, तब मच्छी को अच्छे से कोट होता नहीं। यहाँ मैं 750 ग्राम मच्छी लेती हूँ। ऐसा पूरे पीसेस को हाथ से दो तरफ कोट कर लेना। अभी से कवर करके फ्रिज में 1/2 घंटा मैरिनेशन को रख लेना। उसके बाद 4 से 1/2 स्पून तेल गरम कर लेना पैन के अंदर। अच्छा तेल स्मोकी हॉट होने के बाद फ्लेम को सिम के ऊपर रख ले को मच्छी को प्लेस कर लेना, मैरिनेट कर ले सो मच्छी को। अब फ्लेम को सिम के ऊपर ही रख ले को 5 मिनट के वास्ते, डिस्टर्ब करें नहीं सर का, कवर करके पका लेना। बीच बीच में चलाते रहे तो मच्छी टूट जाता। उसके बाद से 5 मिनट डिस्टर्ब कर सर पका लेना। यहाँ 5 मिनट हो गया। उसके बाद फ्लिप कर ले को फिर को 3 मिनट के वास्ते कवर कर को लो फ्लेम के ऊपर ही तल लेना, तो सिम के ऊपर। अब 3 मिनट हो गए, फ्लेम को हाई पर रख लेना। अब कवर करें नहीं सर का कितना कलर होना की वो तक कलर आए तक का तो 1 मिनट बस हो जाता हाई फ्लेम के ऊपर। ये टाइम पर मच्छी अच्छा क्रिस्पी बन जाता, ऐसा गोल्डन ब्राउन से भी ज़रा ज़्यादा कलर आने के बाद इसे डिश आउट कर लेना। या मुझे तेल बरबर हो गया होना है तो अब ज़रा तेल डाल को बाकी के पीसेस को भी तल लेना। और ताज बन गया हमारा क्रिस्पी कॉर्नफ्लावर फिश फ्राई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Bye.